एसएससी के नाम में मैं आप सबका शांति समय में स्वागत करती हूँ। हमारा ये विश्वास है कि ये शांति समय आपको और आपके परिवार के लिए आशीष से भरा हुआ होगा। आइए कुछ वक्त प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना में बिताएं। रेवरेंड सुनील मंथोड़े हम सब से परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से शांति समय में आपका स्वागत है। हम विश्वास करते हैं आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन होगा। आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सारे कामों के लिए अच्छा और प्रभु की उपस्थिति चलने का और पवित्र आत्मा के द्वारा बलवंत होने का समय होगा। हम जानते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और ये वचन जो हम आपको परमेश्वर वचन के द्वारा आपके साथ बात करते हैं वो आपके लिए आशीष का कारण होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको कलेसियों के पहले अध्याय से जो वचन बताया आपको, नौ वचन से हम लोग देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए प्रार्थना करें कि आपको आत्मिक ज्ञान हो, दूसरी बात आपको समझ हो कि आप ऐसे व्यक्ति रहे, सुलझे व्यक्ति रहे कि हमेशा अच्छा विचार करें और आप हमेशा समझ जानबूझकर जो भी करेंगे आपका निर्णय होगा जो अच्छा निर्णय हो, मूर्खता की बातें नहीं करेंगे, लेकिन आप जानेंगे कि मैं परमेश्वर की इच्छा की पहचान रखता हूँ, मैं जानता हूँ परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो हमारे हाथों का काम जो है हमेशा फल देने वाला होगा, हमारा चाल चलन जो होगा परमेश्वर के योग जो होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी समय जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, कलोसियों 1:11, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत हो जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। तो प्रभु के लोग होने के नाते हम पर जिम्मेदारी है कि हम शक्तिशाली बने। प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके सामर्थ्य में हम बलवंत हो जाएं। हमें बलवंत क्यों होना है? क्योंकि हमने सुना है और हमने पढ़ा है परमेश्वर वचन के अनुसार, हमें ज्ञान है कि हमें आत्मिक ज्ञान होने के नाते हमारा जो
दुश्मन जो है शैतान जो हम उसको हमारे दैहिक ताकत से दैहिक सामर्थ्य से हम उसके साथ युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह ज्ञान है कि हमें पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम बलवंत होना है, जिसके द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं और हमारे सामने शैतान को भागते हुए देखना है। और इसलिए मैं प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में ऐसा काम हो कि जो काम आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन कहता 11 वचन कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवान होते जाओ। पहली बात यहाँ पे उसकी महिमा की शक्ति, तो जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, जिस परमेश्वर को हमने ग्रहण किया, जिस परमेश्वर को हमने अपने जीवन का मकसद बनाया है, वो उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, तो आपको और मुझे हमें परमेश्वर के शक्ति में बलवंत होना जाना है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा में हम जब बलवंत हो जाएंगे तो शैतान का सामना कर सकते हैं और अपने आप को हम कमजोर नहीं बल्कि परमेश्वर के लोग होने के नाते हम बलवंत बन हो जाए, शक्ति में हम उसके महिमा में हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है एपीस 6:10 में कहता है कि प्रभु में बलवंत हो जाओ। तो हमें ये जानना है कि जब मैं प्रभु के साथ अब बना रहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 15 में कि तुम मेरे साथ बने रहो और मैं तुम्हें बना रहूँगा तो तुम फल दोगे। प्रभु चाहता है कि हम बलवंत बने, यानी हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ अच्छा है, हम परमेश्वर के साथ बंधे रहे, हम यीशु में जब बने रहेंगे तो यीशु का सामर्थ्य हमारे जीवन में सर से लेकर पैरों तक हमें अनुभव होगा और हमारा जीवन बलवंत होगा। शैतान को हम कुचला सकते हैं, शैतान के हर मुश्किल को, शैतान के हर चालों को हम बिगाड़ सकते, हम शैतान के हर चालों को हम नष्ट कर सकते। इसलिए मैं प्रभु का सेवक होने के नाते प्रभु के वचन के द्वारा हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको विनती करते हैं कि आप प्रभु की शक्ति की महिमा में उसके शक्ति में बलवंत हो जाओ। इसलिए हमें बलवंत होना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है हमारा युद्ध रक्त और मांस के साथ नहीं बल्कि दुरात्मा से, जो दुष्ट आत्मा है, जो अधिकारी है और सामर्थ्य है, जो दुष्ट आत्मा है उसके साथ हमारा युद्ध है। इसलिए प्रभु की लोक होने के नाते हमें प्रभु की महिमा की शक्ति में, तो हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पवित्र आत्मा है, मेरे साथ प्रभु यीशु है और उसके इच्छा की पहचान होने के द्वारा मैं उसके सामर्थ में आगे बढ़ सकता हूँ। दानियल उसके 11 और 32 में लिखा है जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर खुदा परमेश्वर को जानते हैं, जो जीवित परमेश्वर है उसको जानते हैं, वो लोग बड़े काम करने वाले हैं। तो आपको हमेशा याद दिलाना है कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, परमेश्वर मुझे चुना है। तो आज बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं वो नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और अपने आप को एक तरह से नीचा दिखाने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, आप यीशु को जानते हैं, यीशु जीवित परमेश्वर जिसने मृत्यु और विजय पाया, जो हमारे पापों के लिए आपके पापों के लिए सूली पर मर गया और उसने अपनी जान दी ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त हो जाए, उसके मुर्दों में से जीवित होने के द्वारा हमें परमेश्वर ने जीवित आत्मा दिया है कि जिस आत्मा के द्वारा हम पवित्र आत्मा बलवंत होते जा सकते हैं। इसलिए प्रभु वचन कहता है यहाँ पे लिखा है कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। सब प्रकार के सामर्थ्य में हमें बलवंत होना है, यानी जो भी आप सोचते कि मैं इसमें मैं कमजोर हूं, लेकिन प्रभु कहते प्रभु वचन कहता है जो कमजोर है उसने कहे मैं बलवंत हूं, जो गरीब है उसने कहो मैं अमीर हूं। तो जो भी स्थिति हो, जो भी मुश्किल है, उस मुश्किल में आपको कहना है कि मैं उसके ऊपर बलवंत हो जाऊंगा, कोई ऐसी ताकत नहीं मुझे पराजित कर सकती। इसलिए पौलुस प्रभु का जन जो प्रभु का सेवक कहता है कि यीशु मसीह में जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं, यानी हमें हर मुसीबत के ऊपर हम सामना कर सकते हैं। यानी प्रभु का वचन कहता है कि हमें सब तरह का सब सामर्थ्य हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए क्या कहा वचन कहता है कि हर प्रकार के सामर्थ्य हम बलवंत होना है, हर प्रकार का सामर्थ्य, यानी ज्ञान का सामर्थ्य, बुद्धि का सामर्थ्य, हमें देह का सामर्थ्य, हमें किस तरह से लोगों से बात करना है, बात का सामर्थ्य, हर तरह का सामर्थ्य प्रभु हमें दे सकता है और हम उसमें बलवंत हो सकते हैं। आज बहुत सारे बच्चे जवान लोग हो जाते और कहते हैं मैं ये परीक्षा नहीं दे सकता, उसमें मैं कमजोर हूँ, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और ये जो सोच है शैतान उनके मन में डालता है।
हमारा मन जो है एक युद्ध भूमि के समान है, जहां पे शैतान हमें कमजोर करना चाहता है। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मनों को, अपने आत्मा को, अपने जीवन को भर दो, जिसके द्वारा आपको हर प्रकार के सामर्थ्य आपको प्राप्त होगा। जो भी आपके जीवन में आप करना चाहते उसके लिए प्रभु का सामर्थ्य आपको उपलब्ध है, उसके द्वारा आप बलवंत हो सकते हैं। आपके पढ़ाई के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जो अपना जो रिश्ता है उस रिश्ते को कायम रखने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है। इसलिए हमें प्रभु का वचन कहता है कि हम उसकी महिमा की शक्ति में हम बलवंत हो जाएं, उसके प्रभु के हर प्रकार के सामर्थ्य में हम बलवंत हो जाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है इपीस 6:10 में कि हमें प्रभु में बलवंत होना है। जब प्रभु के साथ हम जुड़ जाते हैं तो प्रभु का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है कि किस तरह से इस दुनिया में हम लोगों से बात कर सकते, किस तरह से हम अपने व्यवसाय में आगे बढ़ सकते, किस तरह से हम दूसरे लोगों से अलग और प्रभु की महिमा का काम कर सकते हैं। तो आपको प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के सामर्थ्य में बनते रहना है और अपने आप को कहना है कि मैं बलवंत हूँ, मैं सामर्थ्यशाली हूँ, और प्रभु आपको बलवंत बनाएगा। क्योंकि आप अकेले नहीं, जब प्रभु आपके साथ हैं, क्योंकि हमें याद दिलाना है कि हम बहुत बार कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं, और अपने आप को हम कोसते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के लोग होने के नाते जब प्रभु अपने साथ हैं, प्रभु ने जब हमें उसके अनुरूप बनाया है, उसके स्वरूप हमें बनाया है, तो प्रभु ने उसकी आत्मा हमें दी है, उसकी आत्मा के द्वारा हम सामर्थ्यशाली बन जाते हैं, हम हमारे जीवन में बलवंत हो सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊं कि जब हमें परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान होगा और उसकी पहचान में हम बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ हमेशा, यीशु मसीहा जो वादा करता है वो पूरा करता है। उसने कहा कि हर वक्त हर समय मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके साथ और मेरे साथ यीशु मसीहा है, यीशु जीवित परमेश्वर है, आपको बलवंत बनाना चाहता है और हर प्रकार का सामर्थ्य देना चाहता है। जिस प्रकार में आप अपने आप को कमजोर समझते हैं कि मैं कमजोर हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, और अपने आप को दूसरे के साथ तुलना करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको बनाया, आप अपने आप बने नहीं हैं, आपको परमेश्वर ने बनाया। यीशु परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, आपको ऐसी व्यक्ति बनाना चाहता कि जिसके द्वारा उसकी महिमा आपके जीवन में शक्ति का प्रदर्शन करे, उसकी महिमा के द्वारा आप हर प्रकार का सामर्थ्य आपके जीवन प्राप्त हो जाए। इसलिए जो मैंने आपको बताया दानियल उसके 11 अध्याय और 32 वचन के अनुसार, मैं जानता हूं यीशु मसीहा मेरा जीवित परमेश्वर है, मैं उसको जानता हूं कि वो मेरे साथ है, और वो मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज आपकी बीमारी में आप उस बीमारी के ऊपर चंगाई पा सकते हैं, आपकी मुश्किल के ऊपर विजय पा सकते हैं, शैतान की ताकत आपको छू नहीं सकती। प्रभु वचन कहता है कि ऐसा कोई हथियार नहीं कि जो तुझ पर विजय हो सकता है, कोई सामर्थ्य कोई ताकत प्रभु के लोगों के ऊपर विजय नहीं पा सकती, क्योंकि यीशु ने हमें सामर्थ्य, यीशु ने मृत्यु के ऊपर और शैतान के सारे अंधकार के कामों के ऊपर विजय पाया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन कहता है कि सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। यानी जब मुश्किल आएगी तो आप बता सकते कि ये मुश्किल जो है मुझे खत्म नहीं कर सकती, ये मुश्किल जो है उसके ऊपर मैं विजय पा सकता हूं, कोई मुश्किल जो है मुझे रोक नहीं सकती। जो प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया, प्रभु ने जो मुझे ताकत दी है, प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है, उसके द्वारा मैं एक विजय से दूसरे विजय की ओर जा सकता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए जो भविष्य बनाया है वो आपके लिए भलाई का है, अच्छे दिनों का है, आने वाले कल जो होगा आपका अच्छा ही होगा। आज आप उसके सामर्थ्य में बलवंत होते जाएंगे, आप एक विजय से दूसरे विजय की ओर जा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं हमेशा कि प्रभु आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, प्रभु आपको हमेशा हर जरूरत पूरी करते रहे, कि आपको कभी किसी से मांगना ना पड़े, लेकिन आप हर तरह के आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। प्रभु ऐसी व्यक्ति बनाना चाहता, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनाऊंगा। तो आज आपको प्रभु ऐसे हर प्रकार का सामर्थ्य देना चाहता, आपके व्यवसाय में, आपके कामों में, जहां भी आते जाते हैं वहां पे आपको प्रभु हर प्रकार सब प्रकार का सामर्थ्य देना चाहता है, कि जिस तरह से आप सामर्थ्य के द्वारा विजय बने, एक बलवंत बने और विजय की ओर आप आगे बढ़े। इसलिए मैं आपको बताना चाहता, प्रभु का वचन कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ
मिलास में सहभागी हो जाओ, यानी हमारे आगे जो लोग गए हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके साथ हम मेल मिलाप कर सकते हैं, उनके साथ जो उन्होंने हमारे लिए मिरास रखी उनके हम क्या बने, सहभागी बने, कि हम भी जब आगे जाएंगे तो हमारे पीछे आने वाले लोग कह सकते कि उसकी जैसा मुझे बनना है, उसकी जैसा मुझे जीवन बिताना है, कि उनका जीवन मेरे लिए एक आशीष का कारण था, उनका जीवन एक सामर्थ्य से भरा हुआ था, कि लोग हमारा जीवन लोग उनके लिए एक उदाहरण कारण हो सकता है, आपका आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले संतति के लिए, जो भी आपके जीवन होने वाला है उनके लिए प्रभु की महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रभु प्रदर्शित करता, दर्शन दे सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत हो जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, यानी प्रभु आपके चरित्र के ऊपर काम कर रहा है, तो आप आनंद से हर मुश्किल को सामना कर सकते, आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी अपने आप में आपके जीवन में गड़बड़ी नहीं होगी, आप जानते हैं कि क्या होने वाला है, आपका मन हमेशा शांत होगा, शांति में आप बने रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम कि जो भी होने वाला है प्रभु की महिमा के लिए होने वाला है और मेरे आशीष के लिए होने वाला है, मैं बलवंत हूँ और मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। प्रभु आपको ज्ञान से सामर्थ्य देना चाहता है, आपके जीवन में बरकत देना चाहता है, जो भी आप करेंगे उसमें प्रभु आपको विजय देना चाहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब आपको परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके साथ उसके सामर्थ्य की पहचान आपको हो चुकी है, तो आपका जीवन लोगों के लिए विजय का कारण हुआ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके आगे है कि पिता का धन्यवाद करते रहो, यानी हमारे मुँह से हमेशा प्रभु की स्तुति होगी, क्योंकि जो आपको मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके जीवन में पराजय नहीं, आप आगे बढ़ते जाने वाले, तो आप हर बातों में हर समय प्रभु को महिमा देंगे, जो भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए होगा, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं, प्रभु ने हर मुसीबत में मुझे छुड़ाया है, हर मुश्किल से छुड़ाया है और हर जगह मुझे विजय दी। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि ताकि आपके जीवन में तंदुरुस्ती हो, आपके जीवन में चंगाई हो, आपके जीवन में बरकत हो, आपका जीवन लोगों के लिए कारण हो, क्योंकि आपको आत्मिक ज्ञान है, आपको समझ है, आप मूर्खता की बातें नहीं करते, मूर्खता की योजना नहीं बनाते, लेकिन आपकी योजना जो है एक समझा हुआ आदमी की है, जिसके द्वारा आप जो भी करेंगे अच्छा करने वाले, जो भी आप योजना करने वाले प्रभु आपको उस व्यवसाय में ऐसी योजना देगा कि जिसके द्वारा आपकी बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन में बहुत बड़ा एक काम होने वाला है। इसलिए दानियल का 11 और 32 वचन मैंने आपको बताया कि आप जानेंगे कि मैं जानता हूं परमेश्वर कौन है, मेरा यीशु जीवित परमेश्वर मैं जानता हूं और मैं बड़े काम करने वाला। हम लोग प्रभु के लोग होने के लिए हमें छोटा सोचना नहीं, हमें बड़ा काम करना है, और बड़ा काम करना है कि जिसके द्वारा प्रभु की महिमा होने वाली। क्योंकि लोग कह सकते हैं ऐसा क्यों कर सका, तो ये लोग बोल सकते हैं कि हाँ कि मैं जानता हूँ यीशु को, जानता हूँ यीशु जीवित परमेश्वर, मैं जानता हूँ वो अद्भुत काम करता है, वो हमेशा महा जो बड़ा काम करता है, जो ऐसा काम करता है कि जिसके हम बड़े सोच भी नहीं कर सकते ऐसा काम करता है, और जो हम अपने ताकत से इंसान होने के नाते हम अपने ताकत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा बड़ा काम कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको प्रभु के वचन के द्वारा उत्तेजन देना चाहता हूँ, प्रेरणा देना चाहता हूँ कि प्रभु ने हमें सारे बंधन से हमें छुड़ाकर, आगे वचन कहा है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में। तो इसलिए मैं आपको अपने आप को बीता हुआ कल बिता जीवन को भूल जाना है, क्योंकि प्रभु ने हमें सारे अंधकार के कामों से, सारे शैतान के गुलामी से हमें छुड़ाया, इसलिए हम प्रभु के पवित्र जन हैं, प्रभु के लोग जो कि हम उसको आबा और बापा कह सकते हैं, हम उसको पिता कह सकते हैं, प्रभु कि तू मेरा परमेश्वर, तूने मुझे ज्योति में लाया, हम प्रकाश में आए हैं ताकि हम अच्छे काम कर सके, ज्योति के काम कर सके, अंधकार के नहीं, क्योंकि आपने हमें अंधकार से छुड़ाया। इसलिए मैं आपको प्रभु के वचन के द्वारा चुनौती देना चाहता हूँ कि प्रभु आपके जीवन के द्वारा बड़ा काम करना चाहता है, कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन प्रभु आपको ऐसी सोच देगा कि जिस सोच के द्वारा आप ऐसा काम करेंगे जो बड़ा काम होगा, जिसमें प्रभु की महिमा और शक्ति का प्रदर्शन होगा, जिसमें हर प्रकार के सामर्थ्य का अनुभव आपके जीवन होगा, आप प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने जो आपके द्वारा काम किया है उसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। प्रभु आपको सामर्थ्यशाली क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि हमारा युद्ध जो है दुष्ट आत्मा के साथ है। बहुत सारे लोग आज बुरे आदत में, बुरे संगति में, बंधन में जकड़े हुए, और उनको छुड़ाना
चुड़ाने के लिए प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है। शैतान की हर ताकत को, शैतान के हर बंधन को हम तोड़ सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए प्रार्थना करें, जो आज बीमारी आपके जीवन में है, जो मुश्किलें आपके जीवन में आ रहे हैं, उस मुसीबत के ऊपर आप विजय पा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में प्रभु आपके द्वारा बहुत बड़ा काम करना चाहता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको याद दिलाना है कि प्रभु यीशु ने मुझे उस अंधकार से निकाला है। तो आपको सोचना है अंधकार के काम क्या होते हैं। अंधकार के काम जो गंदे होते हैं, लोग आज बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा काम करना और अपने देह में गंदा काम करना, वो अंधकार के काम होते। लेकिन प्रभु ने हमें उस अंधकार से, नर से हमें बाहर निकाला है, हमें ज्योति के संतान बनाए, हम प्रकाश में चलने वाले लोग हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हम प्रभु के लोग होने के नाते यीशु के राज्य के लोग हैं। यीशु का राज्य जो है पवित्रता का राज्य है। यीशु का राज्य जो है लोगों को जीवन देता है। यीशु का राज्य जो है लोगों को चंगाई, शांति, आनंद देता है। यीशु आपसे प्रेम करता है। इसलिए आपको हमेशा उसके आत्मिक ज्ञान में, समझ में, उसकी इच्छा के ज्ञान में, पहचान में, उसके सामर्थ में आगे बढ़ना है और अपने आप को कहना है कि मैं यीशु के साथ, जो मुझे सामर्थ देता है, उसके यीशु जो मुझे सामर्थ देता है, उसके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हर प्रकार का सामर्थ्य प्रभु आपको दे सकता है। आपको कभी कमजोर नहीं समझना कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आपको कहना है कि यीशु जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जब आप आगे विश्वास के साथ आप आगे अपना पैर उठाएंगे तो प्रभु आपके लिए काम करेगा। प्रभु आपके साथ, जो हम करते हैं, हमें जो आंखों से दिखता है उसकी वजह से नहीं, लेकिन जो हम चलते विश्वास के द्वारा चलते हैं कि मेरा जीवन विजय की ओर जा रहा है और मेरे जीवन में पराजय नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपको अंधकार से निकाला है, अपने आप को उस ज्योति के संतान होने के नाते ज्योति में आपको चलना है। इसलिए हम आपके लिए प्रार्थना करें, जो आज आपके जीवन मुश्किल है, जो आपके जीवन में मुसीबत है और उस मुसीबत से आप बाहर निकल सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने आपको ज्ञान दिया है। तो अपने आप को याद दिलाने कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं यीशु को जानता हूँ। इसलिए फिर से मैं बताना चाहता हूँ दानियल उसका 11 अध्याय और 32 वचन कि जो परमेश्वर को जानते हो लोग बड़े काम करेंगे। तो आपको कहना है कि मैं बड़ा काम करने वाला हूँ। आपके परिवार में बड़ा काम होने वाला है, आपको कोई रोक नहीं सकता बड़ा काम करने से। आपको काम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना है और प्रभु आपके हाथ को बलवंत बनाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रभु आपको बलवंत बनाएगा, हर प्रकार का सामर्थ्य आपको देगा आगे जाने के लिए, आपको बढ़ोतरी देने के लिए, आपको बरकत देने के लिए, आपको शांति और आनंद देने के लिए, आपके परिवार को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु हर प्रकार का सामर्थ्य आपको दे सकता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जिस समय आपको कबूल करना है कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा, यीशु मसीहा हमें पापों से हमें छुटकारा देता है, उसका लहू हमें सारे अधर्मों से, सारे गंदे कामों से हमें शुद्ध और पवित्र करता है। आज जब यीशु को आप ग्रहण करेंगे तो यीशु आपके जीवन में शांति देने के लिए आएगा। यीशु आपके पापों की क्षमा करेगा, आपको पवित्र करेगा, क्योंकि आपके कर्मों के द्वारा नहीं लेकिन यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपके पापों की क्षमा हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु ने मेरे जीवन बदला, यीशु ने मेरा जीवन बदल के मुझे ऐसी जगह पर लेके आए कि जिस जगह से मेरा जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण बना है। मैं एक विजय से दूसरे विजय की ओर जाता रहा हूँ और आगे आने वाले दिनों में प्रभु बहुत बड़ा काम आपके और मेरे जीवन से करने वाला है। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी समय यीशु की चंगाई का अनुभव कर सकते हैं, आज इसी समय आप पवित्रता का अनुभव कर सकते हैं और ये अनुभव जो आपको होगा तो उसके द्वारा लोगों को आशीष मिलेगी। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते इस समय के लिए कि जो आपने अधिकार दिया आपके पुत्र और संतान होने का, आपकी पुत्री होने का अधिकार दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपने हमारे पापों के लिए जान दी और हमें सारे पापों से छुटकारा देने के लिए लहू से शुद्ध और पवित्र। धन्यवाद देते प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो आपने अधिकार दिया आपके मार खाने से हमें चंगाई मिले, उस अधिकार से सारी बीमारी, सारी मुश्किलें, सारे दर्द को यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन से निकाल देते और प्रभु आपकी चंगाई उनके जीवन में कबूल करते हैं। आपको उनको चंगाई सामर्थ दे, उनके जीवन में अद्भुत और बड़ा काम करें। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद देते, इसलिए यीशु मसीह के नाम से आमेन। हम विश्वास करते कि हमने प्रार्थना की, आपको अनुभव होगा कि यीशु ने आपको छुआ है, आपको चंगाई दिया, सामर्थ दिया। आपको जो अनुभव हुआ है हमें खत लिखे, ईमेल द्वारा, फोन के द्वारा हमारे साथ संपर्क करें, हमारे साथ बने रहे ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें और प्रभु की आशीष आपके साथ हमेशा लेते आएंगे और आपको आशीष करेंगे। यीशु की शांति आपके साथ हमेशा बने रहे। आमीन। हमारा ये विश्वास है
कि आज के इस शांति समय से आपको आशीष मिली होगी। हमें संपर्क करने के लिए हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर 610, सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर 610, सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा टेलीफोन नंबर है 8082428488932321742। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mantode@gmail.com।